कर्नाटक पुलिस ने 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में संपन्न विपक्षी दलों की बैठक के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान श्रीराम, नंद कुमार और मोहन के रूप में हुई, जो बेंगलुरु के शेषाद्रिपुरम के निवासी हैं। पुलिस के मुताबिक श्रीराम ने पोस्टर लगाने को प्रायोजित किया था, इन्हें आरोपी नंद कुमार की प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया। पोस्टरों को मोहन के टेम्पो में ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने शहर में 20 जगहों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाए। इन्हें बेंगलुरु एयरपोर्ट रोड पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। पुलिस राजनीतिक नेताओं की संलिप्तता का पता लगाने के लिए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बीजेपी गठबंधन के खिलाफ एक मंच बनाने के लिए आयोजित विपक्षी दलों की बैठक से पहले पोस्टर और बैनर सामने आने से नीतीश कुमार को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। नीतीश कुमार को अस्थिर प्रधानमंत्री पद का दावेदार करार देते हुए पोस्टर चालुक्य सर्कल और हिब्बाल इलाके के पास विंडसर बैनर ब्रिज और एयरपोर्ट पर लगे थे। इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने पर भी उनकी आलोचना की गई। पोस्टर में उनके शासनकाल में बिहार में पुल टूटने की घटनाओं का भी उल्लेख किया गया। सुल्तानगंज पुल ढहने की पहली तारीख अप्रैल 2022, सुल्तानगंज पुल ढहने की दूसरी तारीख जून 2023। एक अन्य पोस्टर में उनका उपहास करते हुए कहा गया, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पानी के अंदर पुल बनाने वाले व्यक्ति हैं। इसके साथ ही सुल्तानगंज पुल ढहने की तस्वीर वाले पोस्टर भी लगाए गए। नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में भी भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने इस घटनाक्रम पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.